के शेख अब्दुल हक मुहद्दिस अली जब सूरत था जहाँ से जहाज पानी के जहाज चलते थे बागबानी, जब वो पहुंचे तो अहमदाबाद में शेख मुजद्दीन गुजराती बहुत बड़े आलिम, तो उन्होंने लिखा इस जैसा आलिम दुनिया में नहीं होगा। फला बुजुर्ग ने ताहिर पटनी, हालांकि ये सब गुजराती नहीं था, इनमें कोई भी बाहर से आकर बसे थे, तो अब इन्होंने ऐसे फजाइल मसाइल कि वो पेरिश साहब ने मुझे कहा कि भाई मेरा तासुर उस मौलवी की गुजराती मौलवी की तस्वीर सुनने के बाद ये था कि नौज़बिल्लाह अल्लाह ताला से बड़ी गलती हो गई। किस लाए फैक तो सारे ये सूरत गुजरात के माना सूरत भरोची, आजकल सूरती भरोची थे और अल्लाह नबी अरब में भेज दिया। तो अब ये जो बातें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यह कि साउथ अफ्रीका से बेशुमार फोन आ रहे हैं, लोग रुजू कर रहे हैं। एक मुसलमान की शान ये है कि हक की तरफ रुजू कर ले, और आ रहे हैं बार इस तरह गुजरात से भी, हर जिले से आ रहे लोग, अभी राजस्थान में बड़ा। इनका तरीका वो जो बरेलियों के जमान में था, इज्तिमा से रोकना, जैसे मैंने अभी कहा मद्रास में जो कुछ किया इन्होंने कि बसों का डेढ़ गुना देकर ताकि लोग जा ना सके, तो राजस्थान में भी हरकत शुरू कर दी उन्होंने। अब राजस्थान के मुख्तलिफ अजला से चंपानेर बीकानेर और फला फला फोन आ रहे हैं, और वो आज़म कर रहे हैं कि हर घर से एक आदमी अल्लाह का रास्ता निकलेगा। अभी बड़ा इज्तिमा होने वाला है मार्च के शुरू में, आलमी इज्तिमा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो बातें पर गुजरात के जिम्मेदारों को ठंडे दिल से गौर करना चाहिए, इलाकाइयत बहुत खतरनाक चीज है, इसकी संगीनी को समझना चाहिए। और देखिए अभी की बात है 2-3 महीने पहले की, एक पाकिस्तानी साहब हैं तबलीग में लगे हुए, कुवैत में रहते हैं, उन्होंने पूरा इस पर व्हाट्सएप में डाला था कि हम लोग ढाका के इज्तिमा में 2015 में गए, और वहाँ हम क्योंकि फॉरनर थे तो हमें तख्त पर जगह दी गई बैठने के लिए, बहुत बड़ा स्टेज बनता है बांग्लादेश में, और हजरत जी मौलाना साहब दामत बरकातुम तशरीफ ला चुके थे और आखिरी हिदायत रवानगी की बातें करनी थी। हस्ब मामूल वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो का कुछ दुआ कर रहे थे, इतने हाजी अब्दुल हाफ साहब तशरीफ लाए व्हील चेयर पर, और कहा मैं बिल्कुल उनके करीब था हाजी साहब के बैठा हुआ, हाजी साहब ने मुझे वहां लेकर वहां लेकर चलो, यानी मौलाना साहब की कुर्सी के पास वहां गए, तो हाजी साहब ने मौलाना साहब तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो थे, कुछ दुआएं मांग रहे थे, माइक अपने हाथ में लेकर ऐलान किया कि लोगो ये हमारे बड़े हैं, इनकी बात गौर तवज्जो से सुनो और जो कहें पर अमल करो, ये हमारे बड़े हैं, ये मेरे भी बड़े हैं, कई मरतब सीने पर हाथ मार कर फरमाए मेरे भी बड़े हैं। तो भाई अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह वो कभी भी एक इंच निजामुद्दीन से दूर नहीं हुए अपनी जिंदगी में, लेकिन उनके नाम पर जब वो मासूर हो गए इन बनियों ने पूरी दुनिया में, अब ये हमारे गुजरात के लोग इस तरह अभी अफ्रीका में, अभी कनाडा में, अभी पनामा में, अभी बाबाडोस में, क्यों कि पूरी कौम के इकट्ठा करो निजामुद्दीन से काटने के लिए, और हर मुल्क में नए नए मरकज बनाते चले जाओ। ये बहुत बड़ा खतरनाक खेल था, अल्लाह ने नाकाम किया, अपनी कुदरत से नाकाम किया। और इन्होंने हवरजी मौलाना साहब के खिलाफ जो बकवास डाली, जो गंदी बातें, जो बेहयाई की बातें, जो इत्तहमात, अरे साफ बात है चांद पर थूकोगे तो तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। मौलाना साहब वहाद आदमी है मैंने जिंदगी में देखा 50-60 साल जिंदगी में। अभी वो मद्रास में गए, रास्ते में 7-8 स्टेशनों पर हजारों आदमी, 20-20 हजार आदमी, 10-10 हजार आदमी, यानी स्टेशन पर गाड़ी 2-4 मिनट रुकती है, वो बात सुनने के लिए 4 मिनट की। यह मकबूलियत या तो मालूम यूसुफ साहब रहमतुल्लाह की देखी थी उनके दादा की, कि जब 64 में हज में जा रहे थे सूरत में, गाड़ी का टाइम था 3 बजे रात को, कुछ लेट आई थोड़ी सी, तो हजारों आदमी जमा हो गए, और किसी में नहीं, ना इन देवबंद के काबरीन के लिए, ना ये शूरा के काबरीन के लिए, कभी किसी जगह ये बात नहीं मिलेगी। इस वक्त हीरो हैं पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के मुसलमानों नौजवान।